नमस्ते, मैं हूं किशोर रजवाणी और अब आज की ताजा खबर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। मुंबई कर के लिए अगले 24 घंटे भारी पड़ने वाले हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। मुंबई में कल से हो रही बारिश की वजह से जो निचले इलाके हैं उसमें पानी भर गया है। भारी बारिश और जलभराव की वजह से यातायात भी प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा सेंट्रल रूट पर लोकल भी प्रभावित हो रही है। कुर्ला स्टेशन पर रेल लाइन तक पानी में वो डूब गए हैं। जो निचले इलाके हैं मुंबई के, वहां पर भी पानी अब भर गया है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी भी दे दी है। ऐसे में मुंबई में कल से ही बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से जो हालात है वो और खराब होने की आशंका बढ़ गई है। भारी बारिश और जल भराव की वजह से यातायात भी प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा सेंट्रल रूट पर लोकल भी प्रभावित हो रही है। कुर्ला स्टेशन पर रेल लाइन तक पानी में डूब गई है। दो तस्वीरें आपके सामने, कुर्ला मुंबई जहां लगातार बारिश और खार मुंबई की तस्वीरें, वहां भी आलम कुछ ऐसा ही है। यातायात भी इस कारण प्रभावित हुआ, साथ ही साथ लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। मौसम विभाग ने हालांकि चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटे और भारी पड़ने वाले हैं, यानी और झमाझम बारिश होने वाली है, दिक्कतें और बढ़ने वाली है मुंबई करके। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर जम्मू कश्मीर के राजौरी में आसमान में सफेद धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। ये धुआं पाकिस्तान की तरफ से हो रही गोलीबारी के बाद का था, जिसने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन करते हुए राजौरी और पुंछ में भारी गोलीबारी की। और इसी बीच राजौरी के ताराकुंडी में पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलीबारी हुई। सुबह करीब 7:30 बजे हुई गोलीबारी के दौरान पाकिस्तान ने मोर्टार और बंदूकों से भारत के गांवों और सेना की चौकियों को निशाना बनाने की कोशिश की। लगातार हो रही गोलीबारी के बीच आसमान में धुआं उठता रहा। डर के मारे गांव के लोग अपने अपने घरों में ही छिपे रहे। राजौरी के ताराकुंडी और मंजाकोट में पाकिस्तान गोलियां और मोर्टार दाग रहा था। इसके अलावा पुंछ के बालाकोट सेक्टर में मेढर भी पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलीबारी का निशाना बना। हालांकि भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। लगातार हो रही गोलीबारी का सबसे ज्यादा नुकसान सीमा के करीब गांव में रहने वाले लोगों को उठाना पड़ रहा है। राजौरी में पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलीबारी में 2 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें फौरन राजौरी के जिला अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टरों की एक क्विक एक्शन टीम को यहां पहले से ही अलर्ट पर रखा गया था। घायलों में एक महिला थी जिसकी पीठ पर गोली लगी थी। पेशेंट हमारे पास आई है अभी, इसको सबने देख लिया, शी इज आउट ऑफ डेंजर। पुंछ के बालाकोट सेक्टर में हुई गोलीबारी में और भी बड़ी अनहोनी हुई। पाकिस्तानी सेना की गोली का शिकार एक 8 साल की बच्ची बनी। बच्ची का नाम सईदा था। पुंछ में हुई गोलीबारी के बाद गाँव में यहाँ वहाँ पड़े हुए मोर्टार देखे जाने लगे। घरों के आंगन में बंधे मवेशी जख्मी हो गए। तो राजौरी में हुई पाकिस्तान की गोलीबारी में एक जवान शहीद हो गया। शहीद हुआ जवान उस वक्त अपने बंकर से ही पाकिस्तान की गोलियों का जवाब दे रहा था, लेकिन पाकिस्तान के एक मोर्टार ने बंकर को ढेर कर दिया और बंकर में मौजूद जवान की जान नहीं बच पाई। शहीद हुए नायक मुदस्सर अहमद की उम्र 37 साल थी। वो पुलवामा के त्राल के रहने वाले थे। हैवी शेलिंग रिपोर्ट की गई है, जिसमें अभी तक आर्मी के भी लॉसेस की खबर है। पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर उल्लंघन के दौरान पिछले एक हफ्ते में ही ये सेना की तरफ से 4थी शहादत है। तो नायक मुदस्सर की शहादत की खबर, उसके घर पहुंचते ही त्राल में मातम शुरू हो गया और पूरे परिवार का हौसला देने के लिए आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। क्योंकि नायक मुदस्सर अहमद की शहादत के बाद उनके बूढ़े माँ बाप को सहारा देने के लिए घर में और कोई नहीं। मुदस्सर के 2 छोटे बेटे भी हैं, जिनके सिर से पिता का साया उड़ गया है। इसीलिए आसपास के लोगों की भीड़ जमा होने में देर नहीं लगी। पूरे घर में मातम पसरा था। महिलाओं के आंसू नहीं थम रहे थे। मुदस्सर के दोस्तों का दावा है कि वो इस बार छुट्टियों में ये दावा करके गए थे कि वो फौज से वीआरएस लेने वाले हैं और आखिरी बार पोस्टिंग पर जा रहे हैं। इस बार वो कंफर्म करके गए थे कि इस बार मैं एप्लीकेशन दे के रहूंगा और मैं पेंशन आ जाऊंगा, क्योंकि बहुत टाइम वो दे दिया मैंने फौज में। अब थोड़ी देर में सेना के अधिकारियों ने भी ट्विटर पर शहीद मुदस्सर को श्रद्धांजलि दी। सीमा पर गोलीबारी के बीच पाकिस्तान और भारत के बीच डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन स्तर की बातचीत भी हुई। दोनों सेनाओं के अधिकारियों ने सीमा पर तनाव के मुद्दे पर बात की। इस दौरान भारत ने पाकिस्तान को सीज फायर उल्लंघन पर कड़ी फटकार लगाई। भारत ने दो टूक कहा कि अगर पाकिस्तान सीज फायर तोड़ेगा तो भारत को जवाब देने का पूरा अधिकार है। हाल के दिनों में पाकिस्तान ने 23 बार सीज फायर का उल्लंघन किया है। इनमें एक पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम का हमला भी शामिल है। पाकिस्तान की इस गोलीबारी में भारत के 3 जवानों की शहादत समेत 4 मौत हुई है और 12 लोग घायल हुए।
इस बीच जम्मू कश्मीर सरकार ने दो टूक कहा कि इसे पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर समझा जाना चाहिए। पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर कर रहा है और आने वाले वक्त में वो टेररिस्ट स्टेट जो है घोषित होगा। तो दूसरी तरफ जानकारों की राय ये है कि पाकिस्तान को कड़ा जवाब देने के लिए भारत को अमरनाथ यात्रा खत्म होने का इंतजार करना चाहिए। ये एक बड़ी अमरनाथ यात्रा खत्म हो जाने दो। जिन जिन पोस्ट से ये कार्रवाई होती है हिंदुस्तान को यकीन करना है कि वो पोस्ट हमेशा के लिए खत्म कर दी जाए। कुछ जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान के सीज फायर उल्लंघन के पीछे की वजह केवल आतंकियों को घुसपैठ का मौका देना ही नहीं बल्कि भारत पर अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा कम करने का दबाव बनाना भी है।